छतरपुर के बड़मलहरा बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पटवारी द्वारा काम न करने पर थप्पड़ मारने का बयान दिया। आज जिला पटवारी संघ सड़क पर उतर आया है और बीजेपी विधायक के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कलेक्ट्रेट में जानकार प्रदर्शन करते हुए अपर कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। वही पटवारी संघ ने विधायक के बयान पर 3 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही, ऐसा नहीं करने पर आंदोलन करने की धमकी दी गई है। वही विधायक अभी भी इस बयान पर कायम है। विधायक ने कहा कि यदि पटवारी सरकार की मंशा अनुरूप काम नहीं करता है तो ऐसे शब्द उनके उत्तेजना में निकले। और माननीय शिवराज जी पूरे चिल्ला चिल्ला कर पहले कहेगा, हम लोग पूरे चिल्लाते रहे कि किसानों की फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा सरकार देगी। जब सरकार देने के लिए तैयार है तो ये निचले कर्मचारी के पिताजी का पैसा नहीं लगना है, सरकार का पैसा लगना है। इनको संकोच क्यों होता है किसानों को देने में? ऐसे बहुत से निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं जो अपनी हठधर्मता से काम करते हैं और किसानों के पक्ष में काम नहीं करते, उनके विरुद्ध बहुत सी ऐसी कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए जिसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हम जनता के सेवक होने के साथ साथ किसान भी हैं और किसान की पीड़ा जानते हैं। और इस तरह की जो पटवारी ने कृत्य किया है ये बर्दाश्त के बाहर है। और जब भी ऐसी बातें आती हैं तो वो पीड़ा में और गुस्से में इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए छतरपुर MP से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।